हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप आपके घरों में सही और सुरक्षित है। तो आपका यूकेजी कक्षा में स्वागत है। आज का विषय है हिंदी, चैप्टर नंबर 7 यानी 7, और चैप्टर का नाम है मात्राएं। क्या है चैप्टर का नाम? मात्राएं। सेशन नंबर 1 और सेशन का नाम है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। तो बच्चों, पिछले कुछ सेशन में हमने क्या देखा था? दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले और चार वर्ण वाले शब्द, सही कहा। अब हम देखेंगे आ की मात्रा। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि आ की मात्रा हम कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने एक वर्ण लिखा हुआ है। क्या आप पढ़ सकते हैं कि वह वर्ण कौन सा है? देखो, यह वर्ण कौन सा है? क, सही कहा। अब क को मैंने क्या किया है? आ की मात्रा लगाई हुई है। यह जो मात्रा है उसे क्या कहते हैं? आ की मात्रा। कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। तो क को मैंने आ की मात्रा लगाई है। तो बोलो मुझे कि यह वर्ण कौन सा बन गया? बताओ, क प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू का। कौन सा वर्ण हो गया वह? का। और का से कौन से शब्द की शुरुआत होती है? तो देखो, यहां पर मैंने लिखा है क प्लस आ की मात्रा प्लस म। तो बच्चों देखो, यह कैसे हो गया? क प्लस हमने क्या कर लिया? आ की मात्रा लगाई, और आ की मात्रा के बाद हमने एक और शब्द वर्ण लिख दिया। तो क्या हो गया यह? काम। कौन सा शब्द हो गया? काम। ओके, तो देखो यह दूसरा वर्ण कौन सा है? ख। अब हमने क्या किया? जिस तरह से क को आ की मात्रा लगाई, वैसे ही हमने ख को भी आ की मात्रा लगाई है। और देखो, यहाँ पर ख को आ की मात्रा लगाने के बाद ख से कौन सा शब्द बन गया? खा। और खा से कौन सा शब्द यहाँ पर है? खा ना। अब देखो, यहाँ पर सिर्फ ख वर्ण को ही नहीं बल्कि न वर्णों को भी हमने क्या किया है? आ की मात्रा लगाई हुई है। खा ना। हमारा अगला वर्ण है ग वर्ण। तो मुझे बताओ बच्चों कि ग वर्ण को हमने आ की मात्रा लगाई तो कौन सा शब्द बनेगा? जैसे क का, ख खा, वैसे ग से गा। वेरी गुड। और ग से गा से कौन सा शब्द यहां पर मैंने लिखा हुआ है? पढ़ो, गा ना। वेरी गुड, गाना। देखो, यहां पर ग और न दोनों को भी कौन सी मात्रा लगाई हुई है? आ की मात्रा। अब देखो, हमारा अगला वर्ण है ज वर्ण। कौन सा वर्ण? ज। तो मुझे बताओ, ज को हमने आ की मात्रा लगाई तो कौन सा वर्ण, कौन सा शब्द तैयार होगा? ज प्लस आ, जा। और जा से कौन सा शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर? जाना। कौन सा शब्द? जाना। देखो, ज को भी लगाई हुई है और न को भी। तो ज वर्ण से यहाँ पर कौन सा वर्ण हो गया? यह जा। और जा से कौन सा शब्द बन गया? जाना। और अब हमारा आखिरी वर्ण है र। तो बच्चों मुझे बताओ, र वर्ण को आ की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द बनेगा? र प्लस आ इज इक्वल टू रा। और रा से कौन सा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है? राग। देखो, यहाँ पर र को आ की मात्रा लगाई हुई है ना, जो मैंने लाल रंग की लकीरें खींची है, रेखाएं खींची हुई है, वह क्या है? आ की मात्रा। तो देखो, यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे हुए हैं, और आसन और आम। तो आप मुझे बता सकते हो कि और आ की मात्रा आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तारा, तारा और
चार चार। मामा है ना। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसी तरह से आ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढना है और आपके कॉपी में लिखना है। ओके, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ आ गई हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।